और वो औलिया अल्लाह हैं कौन जो गेरू रंग के कपड़े पहने या कपड़े न पहने, गले में मनके डाले, हाथों में कोई कड़े शड़े हों, पांचों दस उंगलियों में मुंदरियां वगैरह हों, ये वली है। कुरान ने जहां अला इन्ना औलिया अल्लाह कहा ना, वहां अल्लाह ने यह भी बताया कि औलिया अल्लाह हैं कौन। पढ़ूं वो आयत फिर तर्जमा भी करूं कि आप समझ जाएंगे, समझ जाएंगे इंशाल्लाह, समझ जाएंगे। जहां जिक्र किया ना अला इन्ना औलिया अल्लाह है, सुनो अल्लाह के जो वली हैं उन पर कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। तो आगे फरमाया वो औलिया अल्लाह कौन है, अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। दो सिफतें जिक्र की औलिया अल्लाह की, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, मुवाहिद है, मुवाहिद वो अल्लाह की सिफतें अल्लाह ही में मानते हैं, वकानू यत्तकून और वो जिंदगी के किसी मरहले में मेरी नाफरमानी नहीं कर। यत्तकून का क्या मैंने, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जिन चीजों से मैंने रोका है उनके करीब भी नहीं जाते। कहते हैं ना क्योंकि मुरीद किसी पीर साहब के मुतालिक सुन के बड़े पहुंची हुई सरकार है, वो गया साल उनके पास रहा, साल के बाद कहने लगा हजरत जी मन इजाजत दो, मैंने कुछ नहीं लभे, मैंने कुछ नहीं देखा। आप में लोगों के ख्याल में होता है कि वली वो होता है जिसकी जूतियां आसमान में उड़ें, वली वो होता है जो पानी पे मुसल्ला डाले। मैंने कुछ नहीं देखा जी आप में, सार रहा हूं आपके पास। हजरत ने कहा ये बता, पूरा साल तू यहां रहा है, मेरा कोई कदम नबी की सुन्नत के खिलाफ उठते हुए देखा है? उसने कहा जी नहीं। फरमाया विलायत किसका नाम, वली वो है जिसका हर कदम मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक उठे। मैंने अपने उस्ताद गिरामी कद्र हजरत नीलवी रहमतुल्लाह अलैह को हर कदम सुन्नत के मुताबिक पढ़ता है तो शरीय मजाल है किसी गैर महरम की तरफ आंख भी उठा के देखे। मस्जिद से निकल रहे हैं, मस्जिद में आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लिबास है, सब सुन्नत के मुताबिक। मैंने देखा पीरे तरीकत हजरत सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके साथ रहा हूं, वो हमारे घर में एक एक हफ्ता रहा करते थे, इधर गिर्द प्रोग्राम होते थे, फिर प्रोग्राम करके यहां आ गए, हम उन्हें वुजू करवा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हर सांस सुन्नत के मुताबिक। विलायत की पहचान क्या है, गुंबद बने कब्रों पे, इस पे फखर किया जा रहा है और कहते हैं दुबनियां कोलते वली कोई नहीं, इन्हों दियां कब्रां दा ही पता कोई नहीं, विलायत तो हमारे पास है। ये मजार देखो, कब्रें देखो, गुंबद देखो, सोने के दरवाजे देखो, लाल पीले सबज झंडे देखो, रौनके देखो, कुमकुमे देखो, उरस देखो, मेले देखो, आबाद है आबाद। ये अलामत है विलायत की, 1 लाख से जायद नबी हुए, किसी नबी की कब्र की जगह का आपको पता हो बोलो बोलो। हजरत आदम की कब्र कहां है, हजरत नूह की कब्र कहां, हजरत इब्राहिम की कब्र की निशानदेही कहां है, इस्माइल की कब्र की निशानदेही कहां है, हजरत मूसा, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत जकरिया, हजरत सुलेमान, उलुल अजम पैगंबर,
किसी की कबर की कोई निशानदेही। ये सिर्फ तुहाड़ियां कबरां जाग दियां, कबरें जाग रही। ये विलायत की अलामत है। अंबिया की कबरों का तो नामो निशान भी दुनिया में नहीं है। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हुए, चंद हजार सहाबा की कब्रें मदीना में हैं। बताओ बाकी सहाबा की कब्रें कहां हैं? उनके निशान क्यों मिट गए? विलायत की अलामत कब्रों पे उर्स का लगना नहीं, गुंबद का बनना नहीं, कुमकुमों का जलना नहीं। विलायत की अलामत रंग बरंग कपड़ों का पहनना, जुब्बे कुब्बे, ये विलायत की अलामत नहीं है। विलायत की अलामत है मुत्तकी होना और मुवाहिद होना। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। औलिया अल्लाह वो होते हैं जो ईमान लाते हैं और क्या इख्तियार करते हैं? तकवा इख्तियार करते हैं।